हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMM के में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करके क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे PFMS के स्टेटस में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे आपके PFMS के स्टेटस में नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आ रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने UP स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप अपनी स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं और वो ये कि 26 जनवरी और 25 जनवरी को जिन छात्रों की स्कॉलरशिप आई है यानी कि PFMS पर अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हुई है, वो काफी ज्यादा कम छात्र हैं। पहले मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं, वहां पे मैं आपको न्यूज दिखाता हूं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो PFMS पर क्यों शो नहीं हो रही और कब तक शो होने के चांसेस हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। सो गाइस, न्यूज में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं आप लोग अपना PFMS का स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे सर्च कर लेना है सरकारी जॉब फाइंड। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको सिंपली sarkarijobfind.com पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप लोग गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पढ़ सकेंगे। यहां पर आप लोग कॉलम्स देख सकते हैं, प्लस आप लोग यहां से यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और PFMS का स्टेटस भी। तो यहां पे आपको सिंपली चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2020-21 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग 3 से 4 लिंक्स देख सकते हैं जहां पे चेक स्कॉलरशिप स्टेटस के आगे जो फ्रेश और रिन्यूअल लिखा है वहां पे आप लोग प्री मैट्रिक का स्टेटस देख सकते हैं और पोस्ट मैट्रिक एंड अदर देन इंटर का जो स्टेटस है वो आपका 31 जनवरी या 1 फेब तक आ जाएगा। तो आप लोग रेगुलर वेबसाइट पर विजिट करते रहिए और यहां पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है चेक स्कॉलरशिप स्टेटस विद बैंक अकाउंट नंबर PFMS, उसके आगे जो क्लिक लिखा है उस पर क्लिक करके आप लोग अपना PFMS का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहां पे आपको सिंपली अपनी बैंक डिटेल्स देनी है, अपना अकाउंट नंबर डालना है और ये कैप्चा कोड डाल के जैसे ही सर्च करेंगे जो आपका स्टेटस है वो ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं न्यूज की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या न्यूज है। सो गाइज, यहां पर आप लोग ये न्यूज पढ़ सकते हैं जो अमर उजाला पेपर की है। यहां पे आप लोग हेडिंग पढ़ सकते हैं यूपी दिवस के मौके पर 3,145 छात्रों को मिली छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति। जी हां दोस्तों, यहां पे मैं आपको पूरी अपडेट पढ़कर सुनाता हूं कि क्या अपडेट है। यूपी दिवस के अंतिम दिन 26 जनवरी को जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिलाधिकारी की मौजूदगी में सभी छात्रों को सम्मान पत्र भी वितरित किए गए। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह की मौजूदगी में यूपी दिवस अंतिम दिन गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संकोचित रूप से 23 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्रों का वितरण हुआ। इस दौरान कुल 3,145 विद्यार्थियों जिनमें सामान्य वर्ग के 425 छात्रों को 13.40 लाख रुपए, पिछड़ा वर्ग के 2554 छात्रों को 46.66 लाख रुपए और अल्पसंख्यक वर्ग के 166 छात्रों को 5.23 लाख रुपए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि जो जिले के 3,145 छात्रों को बेनिफिट मिला है और जबकि लाखों फॉर्म थे, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि अभी बहुत ही कम परसेंट छात्रों की स्कॉलरशिप आई है। अगर हम बात करें हर साल की, तो हर साल 50 से 60 लाख छात्र स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेते हैं यूपी स्कॉलरशिप का, जिसमें से अभी सिर्फ 1,43,000 छात्रों को स्कॉलरशिप मिली है। तो इसी वजह से किसी छात्र की जो स्कॉलरशिप है वो PFMS पर शो नहीं हो रही और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स की भी शो नहीं हो रही। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि 26 जनवरी में कुछ ही छात्रों को मिलती है, उसके बाद रेगुलर स्कॉलरशिप आती रहती है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, स्कॉलरशिप का बेनिफिट सभी छात्रों को, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 100% मिलने के पूरे चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइस, न्यूज तो आप लोगों ने देख ली, जैसा कि आपने न्यूज में देखा काफी ज्यादा कम छात्र हैं और ऐसे ही हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट से 100 से 150 बच्चों को ही स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिला है यानी कि 26 जनवरी को। और अगर आपकी अभी तक PFMS पे स्कॉलरशिप शो नहीं हुई तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर साल 25 जनवरी और 26 जनवरी को काफी ज्यादा कम छात्रों की आती है। उसके बाद फरवरी फर्स्ट वीक या 15 फरवरी 10 फरवरी को और छात्रों की PFMS पे शो हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 15 फरवरी या फिर मार्च एंड तक
तक 100% आ जाएगी, बस बजट का इशू नहीं होना चाहिए। और जिन छात्रों की अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हो रही है उनका जो अमाउंट है 5 से 6 दिन के अंदर वर्किंग डेज में उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, इसी वजह से आपकी जो स्कॉलरशिप है वो शो नहीं हो रही, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 50 से 100 बच्चों को ही स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिला है फिलहाल। और हो सकता है फरवरी फर्स्ट वीक में या 10 फरवरी तक सभी छात्रों को स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल जाए। पहले रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा, उसके बाद जो स्टूडेंट्स बचेंगे फिर फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।